भी मैं इस्लामाबाद आ रहा था, मुझे कह रहे थे कि तू ना तुझे हम पकड़ेंगे। क्यों छुपे? मेरा मुल्क है, जहाँ दिल करेगा जाऊंगा, जिससे दिल करेगा मिलूंगा, जो दिल करेगा वो बोलूंगा। गाड़ी आपने मेरी छीन ली, हथियार आपने मेरे छीन लिए, 20 FIR मेरे पे करवा ली, ये गिरफ्तारी वाला तजुर्बा करना है, लो ये भी करके देखो, मैं जा रहा हूँ। थानों में मारा, हमें बंद रखा, हमें घसीटते रहे, जगाते रहे, बेल्टों से मारते रहे, अभी कोई एक टेलीफोन आया आपको पूरी दुनिया से? सब मुल्कों को इस बात का यकीन है कि उस मुल्क में रहने वाले शहरी उस मुल्क के वफादार हैं। सिर्फ पाकिस्तान के अंदर एस्टेब्लिशमेंट को इस बात का शक अभी बाकी है कि यहाँ पे गद्दार भी और बागी भी। सीनियर सहाफी इमरान रियाज खान को UAE जाते हुए एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया गया। इमरान रियाज से भी मुझे बहुत फिक्र है उसकी, उसको उठा के ले गए हैं, बार बार अदालत कह रही है पेश करो और वो पेश नहीं कर रहे। इमरान रियाज माजरत के साथ जर्नलिस्ट नहीं है, सियासी कारकुन है। इमरान रियाज जर्नलिस्ट नहीं, हमारी कस्टडी में नहीं है, किसी इंटेलिजेंस वाले है, मुझे नहीं पता उन्होंने रिपोर्ट जमा करानी है क्या है। आप हमारे लिए हमारे मुल्क की जमीन को तंग कर दें तो आप मुझ पे मत आना, और हम अपनी जमीन पे आजादी से रहने का हक मांगे तो हम गद्दार हैं। सहाफी इमरान रियाज तकरीबन 5 माह बाद बाजियाब हो गई हैं, घर पहुंच गई हैं। इमरान रियाज को जिस तरह बाजियाब किया गया, मैं समझती हूँ कि अब कहानी खत्म नहीं, यहाँ से कहानी शुरू हुई है। और ये पता करके बताएं हमें, ये जुडिशरी हमें पता करके बताए कि वो किधर था और वो क्यों इस तरह हमारे सामने बेबस और लाचार निजाम की तस्वीर बन के खड़ा हुआ है, कौन है इसके पीछे, तो हम जानना चाहते हैं कि हुआ क्या है। अकेला रखने वाले कैदियों की याददाश्त मुतासिर होती है, वो उसकी याददाश्त को तोड़ना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा। ये तस्वीर का जो मजमुआ आपने देखा, ये जो छोटा सा ट्रेलर आपने देखा, ये बज़ाहिर प्रोमिनेंट टेलीविजन एंकर पर्सन सहाफी इमरान रियाज खान की कहानी है। ये जो सितम जरीफी की कहानी है, ये इमरान रियाज की कहानी लगती है, ये उसकी बीवी की कहानी लगती है, ये उसके घर की कहानी लगती है, ये उसके बच्चों की कहानी लगती है, ये जो कुछ हुआ ये उसके बाप के साथ हुआ, बज़ाहिर तो यही लगता है ऑन द फेस ऑफ इट। लेकिन अगर गौर से देखें तो ये कहानी सिर्फ इमरान रियाज खान की कहानी नहीं है, ये कहानी मेरी कहानी है, पाकिस्तान के तमाम टेलीविजन एंकर पर्सन्स की कहानी है, तमाम सहाफ़ियों की कहानी है, तमाम कॉलमनिस्ट की कहानी है, तमाम ज़राए इब्लाग की कहानी है, तमाम एडिटर्स की कहानी है, टेलीविजन चैनल के मालिकान की यही कहानी है, अखबारों में लिखने वालों की कहानी है, ये तमाम लोगों की, शायरों की यही कहानी है। ये कहानी मेरी कहानी है, ये कहानी आपकी कहानी है, ये तमाम पाकिस्तान की कहानी है। कोई ताकतवर लोग ऐसे हैं, कोई अशखास ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लोगों को ये बता रहे हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, उन्हें ये औकात पाकिस्तान के लोगों को, हम सबको हमारी औकात याद कराई जा रही है, हमें बताया जा रहा है कि तुम्हारी यही औकात है, तुम्हारी यही हैसियत है हमारे सामने। ये कहानी यहाँ पर समझ आती, लेकिन कुछ लोगों का ख्याल है कि ये महज इमरान रियाज खान की कहानी है। मुझे याद है बहुत पहले, बरसों पहले, जब वकला की तहरीक, द सो कॉल्ड लॉयर्स मूवमेंट अपने अरूज पे थी, तो पाकिस्तान के फॉरमोस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट जनाब एतजाज एहसन साहब सड़कों के ऊपर चिल्ला चिल्ला के कहते थे, रियासत होगी माँ के जैसी, रियासत होगी माँ के जैसी। लेकिन ये जो हमारे सामने सीन हो रहा है, ये रियासत तो खैर है ही नहीं, क्योंकि रियासत तो अशखास और अफराद का नाम नहीं है, रियासत तो एक इनविजिबल पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है, रियासत तो एक ना नजर आने वाला एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। जहां रियासत ताकतवर होती है वहां लोग बड़े कमजोर होते हैं। मैं जिस मुल्क में हूँ, रियासत हाय मुत्तहिदा अमरीका में, यहाँ मिलियनर हूँ ये बिलियनर हूँ, डर के चलते हैं, गाड़ियां भी खुद चलाते हैं, घरों से बाहर निकलते हुए भी एहतियात करते हैं, हर आदमी यहाँ पे डर के रहता है, बिकॉज यहाँ जो ना नजर आने वाली रियासत है, जो कानून की रियासत है, वो बहुत ताकतवर है, बहुत स्ट्रांग है। इंसान, अशखास, लोग, लीडर, अफसर जो हैं वो इन ममालिक के अंदर बहुत कमजोर है। जहाँ लोग, अफराद, अशखास और अफराद या लोग जो हैं, अफसर जो हैं, वो बहुत ताकतवर होते हैं, वहाँ कोई रियासत होती नहीं है। गौर बात है कि पाकिस्तान में जिस किस्म का एक पॉलिटिकल डिस्कोर्स है, उसमें लोग ये कहते हैं कि रियासत का जबर है, रियासत बड़ी ताकतवर है, रियासत के साथ नहीं लड़ना। अगर आप जरा सा गौर करें
पीछे हटें, पानी का ग्लास पिएं, गौर से देखें, सिगरेट का कश लगाएं। पाकिस्तान में रियासत नाम की कोई चीज नहीं है। पाकिस्तान में रियासत फ्रेगमेंट कर चुकी है, टूट फूट चुकी है। पाकिस्तान में अशखास, अफसर, लोग, अफराद जो हैं वो ताकतवर हैं, और जब अफराद और अशखास ताकतवर होते हैं तो रियासत डिसइंटीग्रेट हो जाती है। पाकिस्तान की रियासत जो है वो डिसइंटीग्रेट हो चुकी है। लेकिन एतजाज़ अहसन साहब की बात पे फिर आऊँगा कि रियासत होगी माँ के जैसी। जो चीज़ हम देख रहे हैं, अगर ये रियासत है, ये रियासत तो नहीं है जैसा मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन माँ तो छोड़ के ये सुतेले बाप से भी कहानी बहुत आगे चली गई है। ये कहानी तो किसी जालिम, जाबर, जागीरदार, किसी फासिक किस्म का कोई डाकू, डकैत, कोई कातिल, ये उसकी कहानी है। ये वो स्टेट ऑफ माइंड है जो हमारे सामने दोहराई जा रही। 3 दिन पहले मेरी इमरान रियाज खान साहब से बात हुई थी, खासी लंबी मेरी उनसे बात हुई, लेकिन मैंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। उसके बाद मैंने 2-3 दफ़ा वीलॉग्स भी किए, मैंने उसका कोई जिक्र नहीं किया। बिकॉज जब मैंने उनसे बात की तो मुझे एक तो उन्होंने मुझे कहा भी कि मैं जो भी कुछ आपसे कह रहा हूँ, मैं बहुत मुश्किल से वो बात कर रहे थे, बट ही स्पोक टू मी इन कॉन्फिडेंस। मैंने कोई बात उसके हवाले से नहीं की, मेरा कोई कॉमेंट करने का इरादा भी नहीं था, मैंने अभी भी कोई कॉमेंट उस हवाले से नहीं कर रहा। लेकिन जो चीज़ मैंने नोट की, डॉक्टर भी हूँ आखिर, मेडिकल साइंस याद है थोड़ी सी, मैंने जो चीज़ नोट की कि इमरान रियाज जो बात एक नॉर्मल शख्स, और जो नॉर्मल इमरान रियाज जो बात चंद सेकंड में कर सकता था, वो कहते हुए अपने माफियो ज़मीर को एक्सप्लेन करते हुए उसे जद्दोजहद करनी पड़ती, उसे स्ट्रगल करनी पड़ती, उसकी ज़ुबान लड़खड़ाती, उसमें हकलाहट है, लेकिन जो आइडिया उसके जहन में होता है उसे एक्सप्रेस करने के लिए, वो शख्स जिसकी कुव्वत गुफ्तार का कोई सानी नहीं था, वो जिसकी गरज और बरस का कोई मुकाबला नहीं था। लोग तुम्हारे लिए कभी बोले ना, वो लोग हमारे लिए कभी बोलेंगे। मैं फिर बता रहा हूं, हम उनका एसेट नहीं है, हम इस मट्टी का एसेट है। लगाओ उनके किसी आदमी को हाथ। जिसकी तमाम तर कमाई, उसका तमाम तर असासा, उसका तमाम तर फ्यूचर, उसके बच्चों का मुस्तकबिल उसके बोलने के अंदर था, उसकी आवाज़ के अंदर था। वो तमाम जो कुव्वत गुफ्तार, वो जो तमाम जुरत थी उसकी आवाज़ में थी। इट वॉज़ नॉट एन ईजी मोमेंट कि आप उसको सुन रहे हैं और आप देख रहे हैं कि चंद लम्हों और सेकेंड्स में जो बात की जा सकती है वो उसे बात करने में कई मिनट लगते हैं। अल्फाज उसकी ज़ुबान से फिसलते हैं, वो अपने माफी ज़मीर को जो कुछ वो कहना चाहता है, जो वो समझ रहा है, उसे एक्सप्लेन नहीं कर सकता। किसने उसकी ये हालत बनाई है, ये हालत उसकी कैसे बनी है, ये हालत, इसको डिसआर्थिया मेरा ख्याल कहते हैं, जब आपका स्पीच सेंटर जो है वो मुतासर हो जाता है। मैं इसका जिक्र मैंने किया नहीं 3 दिन से, लेकिन अब मैंने देखा कि बहुत से लोग इमरान रियाज को मिले हैं, मैंने खल औरिया मकबूल जान साहब भी मिले, और भी लोग मिले, उनकी तस्वीर भी ट्विटर के ऊपर है और व्हाट्सएप के ऊपर की बात अब आउट हो चुकी है कि इमरान रियाज खान बोल नहीं पा रहे हैं और लगता है कि उनका स्पीच सेंटर, जिसको ब्रोका सेंटर कहते हैं, वो इफेक्ट हो गया। अब सवाल यह है कि उनका स्पीच सेंटर क्यों डैमेज हो चुका है? क्या इसलिए महज डैमेज हुआ है कि उनके ऊपर तशद्दुद बहुत किया गया, टॉर्चर किया गया, मारा पीटा गया कई दिन तक, या इसलिए डैमेज हो गया है कि उनको कैद तन्हाई में रखा गया, आइसोलेशन से, डिप्रेशन से, परेशानी से, स्ट्रेस से स्पीच सेंटर मुतासर हो गया, या ये कि ऐसी दवाइयां खिलाई गई हैं, ऐसे कैप्सूल दिए गए हैं, ऐसी दवाई दी गई है, मसलसल दी गई है, टीके लगाए गए हैं, जिसके नतीजे में स्पीच सेंटर मुतासर हुआ है। ये जो दवाई वाली थ्योरी है, इसमें बड़ी जान है, इसकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप गूगल पर जाएंगे, थोड़ा सा रिसर्च करेंगे, स्पीच सेंटर एंड ड्रग्स, व्हाट ड्रग्स कैन अफेक्ट स्पीच सेंटर, तो आपको पता चलेगा कि बहुत सी ऐसी दवाइयां, केमिकल्स, एजेंट्स हैं जिनको अगर खिलाया जाए तो कुछ दिनों के अंदर अंदर, अगर उनको कम से कम 2-3 हफ्ते तक मसलसल हैवी डोजेस दिए जाएं, तो आपका स्पीच सेंटर जो है वो डिस्ट्रॉय हो सकता है। और इनमें बेंजोडाइजेपिन्स हैं, बारबिट्यूरेट्स हैं, बॉटुलिन किस्म के टॉक्सिन्स हैं, और भी ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं। अब हमें नहीं पता कि इमरान रियाज खान के साथ ये चीज़ कैसे हुई है, लेकिन जो उसके असरात हैं, जो उसके सिम्टम्स हैं, वो सामने हैं। इससे पहले भी बहुत हफ्तों पहले ये सुनने में आता था कि इमरान रियाज को दोबारा बोलने नहीं दिया जाएगा। ये बात मैंने सुनी थी, ये मैंने कमेंट सुना था कि इमरान रियाज को एग्जाम्पल बना दिया जाएगा, बोलने नहीं दिया जाएगा। अब आई डोंट नो कि यहाँ पे क्या हुआ है, लेकिन मुझे हैरानगी इस चीज़ की है कि उस मुल्क में जहाँ शहीद अरशद शरीफ लिखता रहा खत प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान को,
लिखता रहा खत चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को, तहफ्फुज़ मांगता रहा, सिक्योरिटी मांगता रहा, प्रोफेशनल वकीलों से उसने खत लिखवाए, अबू ज़र नियाज़ी साहब से खत लिखवाया मेरा ख्याल है चीफ जस्टिस पाकिस्तान, उसको तहफ्फुज़ ना मिल सका। और उसके बाद उसे कीनिया में जब गन डाउन किया गया तो फिर पूरी कौम ने इस्लामाबाद में उसका जनाजा उठाया, वो जो आंखें अशक बार थी और वो जो मंजर था वो पूरे पाकिस्तान के लोगों की बेबसी का मंजर था, वो शहीद अरशद शरीफ के घर का तो मंजर था ही, वो पूरे पाकिस्तान की बेबसी का मंजर था। लेकिन उसी पाकिस्तान के अंदर अब ये दूसरा वाक्य इस किस्म का हो गया, वाक्य तो दर्जनों हो चुके हैं लेकिन ये कितना अजीबो गरीब किस्म का जो वाक्य हुआ है। और मैं सोचता हूँ, मुझे बावाज़े बुलंद मैं सोचता हूँ, आप में से और भी लोग सोचते होंगे कि काजी फायज ईसा साहब ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, जो पाकिस्तान के काजी वक्त हैं, सबसे बड़े काजी हैं, और ये हकीकत है कि जब पहले एक कोई एक अननोन सा एक रिपोर्टर था जिसे कुछ लोगों ने उसके अपार्टमेंट के बाहर जद्दोकूब किया, तो जस्टिस काजी फायज ईसा अपनी अहलिया को लेकर उसके घर चले गए और भी सारे सियासतदान वहाँ चले गए, बिलावल जरदारी भुट्टो वहाँ चले गए, मौलाना फजलुर रहमान वहाँ चले गए, शहबाज शरीफ साहब वहाँ चले गए और उसे अपनी मॉरल सपोर्ट का एहसास दिलाया, उसकी पोजीशन को मजबूत किया। मैंने अभी तक कोई ऐसी रिपोर्ट नहीं देखी, क्योंकि ग्राउंड पर मौजूद नहीं हूँ, अखबारात की हद तक, सोशल मीडिया की हद तक मैंने नहीं देखा कि इतने बड़े सियासतदानों में से कोई वहाँ पे गया है। तहरीक इंसाफ तो सारी वैसे भी नज़रबंद है, या ज़मीन के नीचे है, या जेलों के अंदर है, या रूपोश है, लेकिन बाकी किसी बड़ी सियासी जमात का कोई फॉर्मर प्रेसिडेंट, कोई फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, कोई फॉर्मर चीफ मिनिस्टर क्या इमरान रियाज के घर पहुँचे हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन मुझे थोड़ा सा ताज्जुब ये है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है, जिनका ये प्रिंसिपल है कि अगर किसी के ऊपर जुल्म होगा, ज्यादती होगी, तो उसे मॉरल सपोर्ट देते हैं और देते चले आए हैं, उन्होंने आवाज़ उठाई, वो क्यों खामोश हैं? अगर वो इमरान रियाज के घर लाहौर नहीं जा सकते तो वो भरी कोर्ट के अंदर फुल कोर्ट में इमरान रियाज को बुला तो सकते हैं, उससे पूछ तो सकते हैं, चंद जुमले तो उसके सुन सकते हैं, ताकि उन्हें पता तो चले कि उनके नीचे जो रेल में आखिर चीफ जस्टिस की एक बादशाह की तरह की सूरत हाल है। हमारी उर्दू की किताबों में तो यही हमें बताया जाता है कि काजी जो है उसकी भी एक रेल्म होती है, उसकी भी एक किंगडम होती है, तो काजी वक्त की जो एक रियासत है उस रियासत के अंदर मजलूम के साथ क्या हो रहा है, एक आम आदमी पे क्या बीत रही है, सहाफियों के साथ क्या हो रहा है, वो देखना तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी बनती। फिर ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने अब तक क्या किया है, पाकिस्तान के अंदर इंसानी हकूक की जो और तंजीमें हैं उन्होंने क्या किया है, जो सिविल राइट एक्टिविस्ट हैं उन्होंने क्या किया है, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, लाहौर हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने, इस्लामाबाद हाई की बोर्ड बार एसोसिएशन ने, सिंध बार एसोसिएशन ने, किसी ने कुछ किया है, किसी ने कोई पोजीशन ली? क्योंकि इस वक्त तो जरूरत इस चीज की है कि वो शख्स जिसकी तमाम कमाई, तमाम असासा, तमाम शनाख्त, तमाम आइडेंटिटी उसकी आवाज में, उसकी कुव्वत गुफ्तार में थी, उसका कोई हल तो आपने निकालना है ना, उसका कोई दुखों का मदावा तो आपने करना है ना, और उसके दुखों का मदावा तो बड़ा आसान है, पूरी दुनिया में उसके शहदाई मौजूद हैं, यूरोप से लेकर अमेरिका तक, यहाँ अमेरिका में डॉक्टर बेचैन है, वो उसके लिए पूरी फंडिंग करने को तैयार है, सिर्फ हुकूमत पाकिस्तान ने उसको अमेरिका या बरतानिया, सबसे बेहतर जगह अमेरिका बनती, वो कैसा ट्रीटमेंट, जो कंडीशन उसकी है, यूरोप में भी हो सकता है, स्विट्जरलैंड में भी हो सकता है, जर्मनी में भी हो सकता है, लेकिन अमरीका में जहाँ 20,000 पाकिस्तानी मॉल जो डॉक्टर हैं वहाँ लोग इस तमाम चीज़ का खर्चा उठाने के लिए तैयार हैं। और आई एम श्योर कि बहुत जल्दी इसकी कुछ मैं मजीद हकायक और फैक्ट्स आपके सामने ला सकूँगा, मुझे एक दो दिन दीजिए। लेकिन ज़रूरत इस चीज़ की है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान इस पर स्टैंड ले, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस पर स्टैंड ले, बार एसोसिएशन इसके ऊपर स्टैंड लें, एक माहौल बनाया जाए, एक आर्गूमेंट बनाया जाए कि जो होना था वो हो गया, अब इंसानी हमदर्दी के तहत कम से कम इमरान रियाज और उसकी अहलिया को यहाँ अमेरिका आने दें ताकि इमरान रियाज का इलाज हो सके। ये पाकिस्तान की आवाज़ है इमरान रियाज, ये कोई महज एक शख्स की बात नहीं हो रही, ये पूरे पाकिस्तान की एक आवाज़ है जिसका ये क्वेश्चन है, और मैं ये आवाज़ उठाता रहूँगा और बहुत जल्दी मेरी कोशिश होगी कि मैं इसके हवाले से कुछ मजीद हकायक भी आपके साथ मैं शेयर कर सकूँ। अब चूंकि मीडिया की बात हुई, जब इमरान रियाज खान की बात होती है तो मीडिया की बात होती है, जब शहीद अरशद शरीफ की बात होती है तो मीडिया की बात होती है, गुज़िश्ता 18 महीने में मीडिया के ऊपर जो हालात गुजरे वो आप सबके सामने, गुज़िश्ता 48 घंटे में भी एक बड़ा अजीब व गरीब किस्म का वाक़ हुआ जिससे आप सब लोग वाकिफ हैं, शायद ही आप में कोई ऐसा होगा जिसे ना पता हो उस झगड़े का, जो जावेद चौधरी साहब के जो सीनियर प्रोमिनेंट रिस्पेक्टेड टेलीविजन एंकर पर्सन है, कॉलमनिस्ट हैं उर्दू के, उनके टेलीविजन प्रोग्राम के अंदर उनके सेट के स्टेज के जिस तरह से बैरिस्टर शेर अफजल मरवत जो हैं और डॉक्टर अफनानुल्ला जो किताबों के ऑथर भी हैं, एक किताब के ऑथर भी हैं, पीएमएलएन के लीडर हैं,
उनके दरमियान जिस तरह से गाली गलौज के बाद गुत्थन गुत्था के बाद फर्श के ऊपर और फिर उसके बाद की जो पूरी टॉक्सिक डिबेट चल रही है वो उससे आप सब वाकिफ हैं। मैं देख रहा था कि अफजल मरवत साहब जो हैं उन्होंने एक बहुत से वो ट्वीट कर चुके हैं उस हवाले से और भी बहुत से लोग ट्वीट कर रहे हैं, लेकिन शेख अफजल मरवत साहब ने एक खत ट्वीट किया है जो अफनान साहब ने पुलिस के किसी अफसर को लिखा है बैरिस्टर मरवत के खिलाफ FIR काटने के लिए। और वहां पर मरवत साहब ये एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि मरवत साहब पे अब ये प्रेशर है कि आपने अफनान को शायद ठीक तरह से मारा नहीं, अच्छी पिटाई नहीं की, शायद अफनान ने ज्यादा पिटाई कर ली। कुछ लोग उसमें ये डिबेट कर रहे हैं कि कौन, यानी यहाँ डिबेट ये हो रही है, ज्यादा डिबेट हो रही है वो ये हो रही है कि ये कॉक फाइट थी जिसमें किसने किसको कितना मारा है एंड हु गॉट द बेटर ऑफ इट। तो कुछ लोग जो हैं, शायद टेलीविजन एंकर पर्सन हैं दो तीन, वो ये क्लेम कर रहे हैं कि अफनानुल्लाह साहब जो है उन्होंने ब्लैक बेल्ट भी ली हुई है तो उन्होंने मरवत साहब को बहुत मारा है। मरवत साहब ने उस खत के जरिए, जो खत शायद मैं स्क्रीन पे आपको दिखा सकूं, ये साबित करने की कोशिश की है कि इतना मारा नहीं अफनान ने, अफनान तो खुद रो रहे हैं, उन्होंने खुद पुलिस को कंप्लेन की है कि मैं बेहोश हो गया था फर्श के ऊपर। तो जो सारा डिस्कोर्स है जो पाकिस्तान इतना रिग्रेस कर चुका है, जिसका पहले भी हम जिक्र कर रहे हैं, वही रिग्रेस पाकिस्तान जिसमें इमरान रियाज के साथ जो कुछ हुआ वो किया जा सकता है, ये पाकिस्तान इतना रिग्रेस हो चुका है कि डिस्कोर्स इस किस्म की चीजों के ऊपर हो रहा है। डिस्कोर्स में मैंने अभी तक किसी का ये कॉमेंट नहीं देखा कि एक बैरिस्टर, जो बैरिस्टर भी है और सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का वकील है, उसके दरमियान और एक ऐसा पॉलिटिशियन जिसने PhD की भी है बरतानिया की किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से, जिसने एक किताब भी लिखी, पढ़ा लिखा आदमी है, पढ़े लिखी बात भी कर सकता है, उन दोनों के दरमियान में इस किस्म का झगड़ा एक टेलीविजन प्रोग्राम में इन द फुल ग्लेयर ऑफ द कैमराज हुआ है, ये और इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पाकिस्तान का जो माशरा, उसका जो जहन है, वो इतना इस वक्त हिजान का शिकार है, इतना टूट टूट गया है, इतना अंडर प्रेशर है कि इस किस्म के सीन्स हो रहे हैं। लेकिन मुझसे अगर आप पूछेंगे एज अ टेलीविजन एंकर पर्सन जो दोनों कैरेक्टर से वाकिफ भी है, और मैं डॉक्टर अफनान को बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, डॉक्टर अफनान ने मेरे प्रोग्राम्स में बहुत पार्टिसिपेट किया, उनको बहुत गुस्सा आता है, ये उनकी नेचर है, उनके वालिद साहब को भी बहुत गुस्सा आता था, मैं उनके वालिद साहब के साथ भी मैंने प्रोग्राम्स अटेंड किए, जिस तरह से वो प्रोवोकेटिव थे, सख्त बातें करते थे, गुस्से में आ जाते थे, शोला बयान थे, उसी तरह से अफनान ने जेनेटिकली उस चीज़ को इनहेरिट किया। लेकिन इसका क्या मतलब है कि डॉक्टर अफनान हर दफा प्रोग्राम में जाके लड़ेंगे? इसका क्या मतलब है कि सिर्फ डॉक्टर अफनान की जिम्मेदारी है? नहीं, आई डोंट होल्ड डॉक्टर अफनान एंड बैरिस्टर मरवत रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट हैपेंड इन जावेद चौधरी साहब प्रोग्राम। आई होल्ड जावेद चौधरी साहब प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबल बिकॉज अफनान प्रोवोक हो जाते हैं, गुस्से में बेकाबू हो जाते हैं, उन्हें अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है। ये बात तमाम मीडिया के प्रोड्यूसर्स को, तमाम एंकर पर्सन को, तमाम मीडिया को इस चीज़ का पता है। मेरे टेलीविजन प्रोग्राम में कई दफ़ा अफनान साहब ने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, लोग उठ के चले गए। मुझे याद है एक दफ़ा मलिका बुखारी के साथ उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की, वो चली गई। मैंने बड़ी माफ़ी मांगी मलिका से जाके, उनको बड़ी वापस लाने की कोशिश की, लेकिन मलिका चली गई। मैंने अफनान को बड़ा समझाने की बाद में कोशिश की, अफनान ने मुझसे एग्री किया कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो बड़े नादम थे, बड़ी देर बैठे रहे। मुझे ये समझ आई कि अफनान से गुस्सा कंट्रोल नहीं होता। एक से ज़्यादा दफ़ा मैंने उनको ये समझाने की भी कोशिश की, और उसके बाद मैं फिर भी अफनान को बुलाता रहा, और मैं बुलाता था उनको सैनिटर ओन अब्बास साहब के साथ, बिकॉज मुझे पता था कि दोनों की जोड़ी बनती, दोनों एक दूसरे के साथ एक सर्टन वेवलेंथ के अंदर रहते हुए गुस्से का इजहार भी करते हैं, अपने आर्गुमेंट्स भी देते हैं, भक्तियां भी कसते हैं, लेकिन लड़ते नहीं हैं, गालियां नहीं निकालते। इसी तरह और भी बहुत से ऐसे लोग थे जिनको मैं उसी किस्म के लोगों के साथ बुलाता था। खुर्रम दस्तगीर साहब की हमेशा कोशिश होती थी कि मैं वलीद, जो बैरिस्टर वलीद हैं, वलीद इकबाल हैं, उनके साथ बुलाया जाए। एक नहीं, कम अज कम दर्जनों जोड़ियां एग्जिस्ट करती हैं पाकिस्तानी मीडिया में, जब टेलीविजन एंकर पर्सन को और उनके प्रोड्यूसर्स को अच्छी तरह से पता होता है कि आप किसको किसके साथ बुलाएंगे तो झगड़ा हो जाएगा, मारपीट हो सकती है, स्पार्किंग होगी, फायरवर्क्स होंगे, और किसको किसके साथ बुलाएंगे तो आप एक अच्छी डिसेंट मीनिंगफुल डिस्कशन कर सकते हैं। यहाँ बैरिस्टर मरवत जो हैं वो गुज़िश्ता चंद दिनों से नजर आ रहा है कि सख्त प्रेशर में है, अफनान के गुस्से का, उसके प्रोवोक होने का सबको पता है। यहाँ जावेद चौधरी साहब के प्रोड्यूसर्स ने स्टेज सेट किया तमाशा लगाने के लिए, ये बड़े अफसोस की बात है। देखिए, एक ऐसी सूरत हाल है जिसको असल में समझना चाहिए, और पैमरा को चाहिए कि एक बकायदा लेटर लिखे तमाम टेलीविजन चैनल्स को कि गुज़िश्ता 7 साल में जितने झगड़े हुए हैं, हर टेलीविजन चैनल, सारे टेलीविजन चैनल्स की रिपोर्ट मंगवाई जाए, अपनी अपनी ना लिखें रिपोर्ट,
वहां जिम्मेदारी लगाई जाए किसी सीनियर प्रोड्यूसर की कि वो डॉक्यूमेंट करे कि किस महीने में किस टेलीविजन चैनल पे क्या हुआ था, और उसके बाद उस रिपोर्ट को मद्देनजर रख के पैमरा ये फैसला करे कि टेलीविजन चैनल की एक एडवाइजरी जनरेट करे ताकि इस किस्म के सीन जो है वो टेलीविजन चैनल्स में ना हो, और ये जो सब कुछ इस वक्त हो रहा है इसकी पाकिस्तान को इस स्टेज पे बिल्कुल भी जरूरत नहीं। नाउ कमिंग टू द लास्ट पॉइंट, मस्तूम की जो ट्रेजेडी, क्या कहेंगे आप, वंस अगेन क्या क्या किस तरह से इसको आप डिस्क्राइब करें, पहला वाक्य है, दूसरा है, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवा, आठवा, 2009-11 से पहले भी हो रहे थे लेकिन 9/11 के बाद अब तक सैकड़ों इस किस्म के ट्रेजिक वाकयात हो चुके हैं जहां 25, 30, 40 और यहां तो 55 लोगों की अब तक जो मैंने लास्ट देखा है हलाकत कंफर्म हो चुकी है, 100 से ज्यादा जो है वो जख्मी थे, कई और लोगों की हलाकतें हो जाएंगी, कई और लोग जिनकी हलाकतें नहीं होंगे उनकी लॉस ऑफ लिम्ब एंड लाइफ इस किस्म का होगा, आंख जाया हो जाएगी, बाजू जाया हो जाएगा, एम्पूटेशन हो जाएगी, ऑर्गन डैमेज हो जाएंगे, अंदाजा लगाएं किस किस्म की ट्रेजिडी। अब इस ट्रेजिडी के बाद मैं बड़े गौर से देख रहा था कि ट्रेजिडी तो हो गई लेकिन जिन लोगों की जिम्मेदारी थी कि उन्होंने इस ट्रेजिडी को होने से प्रिवेंट करना था वो सारे एक चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं कि एक बुरी सरसर ने अपनी जिंदगी वहां पर कुर्बान कर दी, वो बड़ी बहादुरी उसने की। मैं तो पॉलिसी मेकर और डिसीजन मेकर जो है चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेजिडेंट्स वगैरह, उनका ये काम है कि वो कहें कि पुलिस अफसर ने अपनी जान की कुर्बानी दे दी, या उनके पास कोई लाहे अमल, कोई थिंकिंग, कोई स्ट्रेटजी, कोई सेंस ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ चीफ मिनिस्टर की स्टेटमेंट, मैं देख रहा हूँ प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट, मैं देख रहा हूँ इंटीरियर मिनिस्टर जो वजीर दाखिला पाकिस्तान के, वो खुद बलोचिस्तान से, उनकी स्टेटमेंट, बिलावल जरदारी भुट्टो की स्टेटमेंट आ चुकी है, जनाब शहबाज शरीफ साहब की स्टेटमेंट, शहरी रहमान साहबा की स्टेटमेंट, पीटीआई की स्टेटमेंट, और सारी स्टेटमेंट्स क्या है कि दुश्मन जो है वो पाकिस्तान के लोगों को शिकस्त देने की कोशिश कर रहा है, पाकिस्तान के लोग दहशतगर्दी से डर के सरेंडर करने वाले नहीं है, इस किस्म के लोगों को बड़ी सख्त सजाएं मिलनी चाहिए, इनको बड़ी सख्त सजाएं दी जाएंगी, दे विल बी नो लीनियंसी, कोई नरमी रवा नहीं रखी जाएगी, बड़े सख्त इकदाम किए जाएंगे। 23 साल से इन स्टेटमेंट्स में कोई तब्दीली नहीं आई, हर वाक्य के बाद इसी किस्म की स्टेटमेंट्स होती हैं, और वंस अगेन जो रिएक्शन था मस्तूम के बाद ये टोटल हेल्पलेसनेस का, टोटल बेबसी का और टोटल बेहसी का था, इसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकता। थैंक यू।